पंडित चकित चित और जागे लोभी लालच धरनी धन धाम के और जागे रोगी रोग ही बियोगी सोगी भोग बस लेकिन सोवे सुख से तुलसी भरोसो एक राम के। हम तो सुख से सोएंगे चाहे दिन हो या रात जागत सोवत शरण तुम्हारी फिरत स्नेह मगन सुख अपने और नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। कोई सोच कोई चिंता नहीं उस नाम भगवान के नाम की कृपा है। तो माताओं बंधुओं हम भी जवाब देते हैं कि उस मल्टीनेशनल कंपनी में अर्थ तो मिल जाता है, पैसे की कमी नहीं रहती है और अर्थ यहाँ पे भी मिल जाता है। दाल रोटी ही सब खाते हैं और दाल रोटी सबकी चल जा रही है। बड़े से बड़ा आदमी भी दो कमरे ज्यादा में नहीं रहता। आप बताइए बनवा लो 20-20 कमरों का घर, सफाई करते करते पसीना आ जाएगा, नौकर ना आए तो रहते उसी दो कमरों में, एक ड्राइंग रूम एक अपना बेडरूम और एक और मान लीजिए गेस्ट रूम ज्यादा ज्यादा, बस बाकी सब लीला है। तो उतना हम लोगों के पास भी है परमात्मा की कृपा से, दाल रोटी हमारी भी चल जाती है। फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि इस सेल और उस सेल में फर्क ये है कि वहां अर्थ तो मिल जाता था लेकिन धर्म काम और मोक्ष ये तीन पुरुषार्थ से वंचित थे। यहाँ अर्थ भी मिलता है और तीन तीन पुरुषार्थ फ्री में साथ में चले आ रहे हैं, एक के साथ तीन फ्री है, धर्म काम मोक्ष। तो चार चार जगह ये सेल, इससे अच्छी कोई सेल होगी? आप बताइए इससे बड़ी भगवान की कृपा नंबर एक। ये तो ही हम लोगों की संतों की बात। महाराज मनु को इस सेल से क्या लाभ मिला ये समझिए। महाराज मनु ने कहा प्रभु हमको तो चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। तो भगवान ने कहा मनु तुम भी एक का दो ही कर पाए, केवल केवल इतनी ही चालाकी तुम्हें आई दो ही कर पाए। तो मनु तुम इतने बड़े चालाक नहीं हो जितने बड़े हम कृपालु हैं, जितने बड़े हम दानी हैं। तुम चालाकी से एक का दो कर रहे हो दुगना। मनु जाओ हम तुमको एक का चार चार देंगे, चौगुना दे रहे हैं प्रभु। माताओं बंधुओं दोहावली में गोस्वामी जी लिख रहे हैं राम भरत लक्ष्मण ललित और शत्रु सुवन शुभ नाम पूज ही दशरथ सुवन सब पूज ही सब मन काम। भगवान के चारों पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के भगवान चार रूप में आए, अंशों के साथ आए। महाराज मनु केवल एक का दो कर रहे थे। भगवान कहते हैं मनु तो अब तुम मम अनुशासन मानी और बसहू जाई सुरपति रज धानी तह करी भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि और होई है अवध भुआल तब मैं हो तुम्हार सुत। जब आप चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, अयोध्या जी के चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, तब मैं आकर के आपका पुत्र बनूंगा। माताओं बंधुओं महाराज मनु को आशीर्वाद वरदान दे दिया। ध्यान दीजिएगा बगल में महारानी सतरूपा भी खड़ी है, सतरूपा माता को भी देना आवश्यक है। ब्रह्मा विष्णु महेश अकेले मनु जी के पास गए थे, भगवान माता के पास भी जाते हैं। माता कुछ मांगो। सतरूप ही बिलो की कर जोरे और बोले देवी मांगू पर जो रुचि तोरे। माता आप भी कुछ मांग लो, कुछ तो मांग लो। तो माता ने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगू, प्रभु मुझे तो बिना मांगे ही सब वरदान मिल गया है, मांगने कुछ बाकी नहीं रह गया। क्यों माता? कहा प्रभु एक बात बताइए, हमारे पति देव ने आपको पुत्र के रूप में मांगा कि नहीं मांगा? तो जब उन्होंने पुत्र के रूप में आपको मांग लिया तो वो पुत्र तो मेरी ही गोद में खेलेगा ना, पुत्र तो आप मेरे ही बन के आएंगे। तो मुझे तो बिना मांगे प्रभु वरदान मिल गया, मुझे मांगने कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं माता आप भी मांगो, आपने भी तपस्या किया है, वरदान आपको भी देना मेरा फर्ज है। तो माता ने कहा कि अगर ऐसी बात है प्रभु तो क्या मांगू मैं? और माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, सूत्र दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, क्या मांगना चाहिए भगवान से, क्या मांग सकते हैं आप? भाई
एक परिवार में। एक बात तो पहले मैं ये बता दूं कि घरों घरों में चारों तरफ जो महाभारत आजकल हो रही है, घर घर की कहानी, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हैं आप? उस महाभारत का वो हमारी माताएं हैं उसका कारण, घर घर महाभारत का। क्यों? अभी आप समझेंगे क्यों। वो आप लोग नहीं है लेकिन कहियो कथा संसार हित, तुम्हारी प्राण प्रिय राम कहियो कथा संसार हित। ये तो मैं संसार के हित के लिए कह रहा हूं, आप लोग तो सब भगवान के भक्त हैं। तो माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, होता क्या है जब विवाह हो जाता है पति पत्नी का, तो पति और पत्नी या सास या ससुर सब क्या मांगते हैं? सब मांगते हैं जल्दी से एक बल्ला हो जाए, एक बच्चा हो जाए, एक बेटा हो जाए। माता भी कहती है एक अच्छा सा लड़का हो जाए, भैया भी कहते हैं बहुत एक अच्छा सा लड़का हो जाए। माताओं बंधुओं एक बात बताइए, यदि बालक होगा तो बालक भैया लोगों के तो काम आएगा, इनका सरनेम उसके साथ जुड़ेगा, इनके बिजनेस में, इनके दुकान में, इनके मोटरसाइकिल में, इनकी कार में सब वो मदद करेगा, चलाना वलाना सारी सेवा लड़का करेगा बड़े होके। लेकिन वो आप लोगों के कौन से काम आएगा? अरे भाई बड़ा होते ही अपने दोस्तों में हो जाएगा मशरूफ, स्कूल कॉलेज करके बिजनेस करेगा तो पिताजी का हाथ बटाएगा, नौकरी करेगा तो पिता का नाम रोशन करेगा, आप लोगों का क्या है उसमें? लेकिन कहते हैं कि भैया भी मांग रहे हैं बेटा हो जाए, आओ माता भी मांग रही बेटा हो जाए। अच्छा दूसरी बात ये समझिए कि भगवान यदि एक के कहने से नहीं सुन रहे तो दोनों के कहने से कैसे सुन लेंगे भाई? जो बात उनको नहीं माननी, मान लीजिए, समझिए। कहने का अर्थ है जैसे आरसी पांडे जी बैठे, मान लीजिए आप स्वामी जी के यहाँ लाइट लगनी है 24 घंटे या लग गई जैसे, अब आइए आते हैं पांडे जी, अब इनसे कहा गया कि यहाँ 24 घंटे लाइट लग जाए, तो जब इनसे कह दिया गया तो फिर दूसरे चीफ से कहने की आवश्यकता है क्या? चीफ साहब से या फिर किसी डायरेक्टर साहब से या किसी और एक्सचेंज साहब से, या तो इनसे मत कहिए। दो दो लोगों से एक ही काम करवाने से क्या मतलब है? दो लोगों का एहसान लेना, दो लोगों से वही बात कहना, या तो एक से ना हो। उसी प्रकार दो लोग एक साथ कह रहे हैं लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। कहने का अर्थ एक तो अपना वरदान मांग रहा है, दूसरे का वरदान खाली जाएगा कि नहीं? मान लीजिए भगवान ने बच्चा कर दिया, लड़का कर दिया, तो वो पिताजी के मांगने पे आया है कि माताजी के मांगने पे आया है? एक का वरदान तो खाली गया, तो ऐसा वरदान क्यों मांग रहे हैं कि आपका मांगना भी और बात भी खाली चली जाए एक की? एक बहुत सुंदर घटना मुझे याद आती है, आपको बताऊं हुआ क्या कि एक बार एक पंडित जी थे और पंडित जी की एक पत्नी थी, बहुत झगड़ते थे वो लोग। तो जब झगड़ते थे तो नारद जी हमेशा देखते थे, तो नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु आप कहते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय, आप ब्राह्मणों का बड़ा ख्याल रखते हैं और वो पंडित जी के ऊपर आप ख्याल नहीं रखते, पति पत्नी कितना झगड़ते हैं, इनकी मदद करिए आप। तो भगवान ने कहा नारद जी हम तो उनकी मदद करते हैं, वो अपनी मदद स्वयं करने को तैयार नहीं है, हम कैसे मदद कर दें? तो नारद जी का नहीं, ये सब बहाना नहीं चलेगा, आप जाइए उनकी मदद करिए, उनकी सुनिए आप। तो भगवान ने कहा देखिए अब हम नहीं सुनेंगे, आप बड़ी पैरवी कर रहे हैं, तो आप ही जाइए और जाके कह दीजिए वो तीन है, एक बच्चा है, दो पति पत्नी है, जो वरदान मांगना हो मांगना हम दे देंगे, वो आपकी बात पे केवल रख रहे हैं हम, ठीक है। नारद जी पहुंचे, जाकर के बोले पंडित जी से, पंडित जी हमें भगवान ने भेजा है। हाँ हाँ बताइए। कहा देखिए ऐसा है आप लोग बड़े कष्ट में रहते हैं, झगड़ा सब चलता है, मैं देख रहा हूँ, ऐसा करिए भगवान ने कहा है कि आप तीनों वरदान मांग लीजिए एक एक, काम हो जाएगा। पंडित जी ने कहा नारद जी आपको भगवान ने भेजा है, हम वरदान मांगे आपसे, हाँ वरदान मांगू आपसे मैं, ये देख रहे हैं मेरी धर्म पत्नी को बगल में, ये बात बात पर मुझसे लड़ती है, इसको बहाना चाहिए कोई कि झगड़ा कैसे हो जाए, बस झगड़े का बहाना ढूंढती है, कितना परेशान हूं मैं इसकी इस आदत से। और पंडित जी यदि आप, नारद जी यदि आज मैंने पहली बार वरदान, पहला वरदान मैंने मांग लिया ना, तो कुछ इसको बहाना नहीं मिलेगा, तो कहेगी इस बात पे झगड़ेगी कि आपने कैसे पहले वरदान मांग लिया, इसको बहाना चाहिए झगड़े का। तो इसलिए वरदान भी देना है तो पहले जाइए इससे बोलिए, इससे कहिए ये वरदान मांगे, बाद में हमारे पास आइएगा झगड़े के बाद में।
महाराज जी पहुंचे पंडितानी के पास। पंडितानी जी वरदान मांग लो, भगवान ने भेजा है। पंडितानी बोली, नारद जी हम वरदान मांगे आपसे, देख रहे हो हमारी हालत आप, हम कहीं से वरदान लेने लायक हैं? अरे नारद जी आप जानते नहीं हो हमारे पति देव को, हम थोड़ा देखने में थोड़ा सा हमारा रंग थोड़ा डार्क क्या है, थोड़े से सांवले क्या हैं, तो इस बात पर ही हमको बार बार डांटते हैं, हमको ताने देते हैं ये पंडित जी। झगड़े की और कोई वजह नहीं है, हम थोड़े से दिखने में ऐसे हैं ना, इसलिए हमको इस प्रकार ये करते हैं। अरे पंडित जी, नारद जी, अरे आपको वरदान ही यदि मुझे के देना है ना, तो मुझको एकदम बना दीजिए विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय। तो अब क्या हुआ कि भगवान के लिए क्या दुर्लभ था, उनका हे मस्तु। अब वो पंडितानी बिल्कुल ऐश्वर्या राय बनकर के सामने खड़ी हो गई। तो पंडित जी से कहा, पंडित जी आप भी वरदान मांग लो। पंडित जी ने कहा, नारद जी अब आप हमसे वरदान मांगे, हम आपसे देख रहे हैं पंडितानी हमारी है। ये विश्व सुंदरी बन गई है, ये सुंदर हो गई। मैं गरीब पंडित, जब 100 बार जजमान की जय हो, जजमान के माता पिता की जय हो, उसके खानदान की जय हो, परिवार की जय हो, उसके शत्रु की भी जय हो, जब गाता हूं तब जाके कोई जजमान मुश्किल से 20 उपली निकाल के सामने रखता है। आइए विश्व सुंदरी बन गई है, अब इसको क्रीम पाउडर और मेकअप का भी खर्चा लाके दें हम, बहुत इसको बहुत मेकअप करेगी अब ये विश्व सुंदरी हो गई है। पर नारद जी अगर वरदान ही देना है तो अभी इसी वक्त इसको यही मेरे सामने कुतिया बना दीजिए। अब नारद जी के लिए क्या दुर्लभ था, भगवान का आशीर्वाद था, उनके पहले ही वरदान थे। तथास्तु। अब वो बेचारी पंडितानी कुतिया बन के कू 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 करके पूंछ हिलाने लग गई इधर उधर। तो बच्चे के पास गए, कहा बेटा भगवान ने भेजा है, कोई वरदान मांग लो। तो बेटे ने कहा, नारद जी अगर वरदान ही देना है तो हमारी माता जैसे पहले थी उनको वैसा फिर से कर दीजिए। कहने का अर्थ है, माताओं बंधुओं 3 वरदान भगवान ने दिए, लेकिन तीनों घूम फिर के वहीं तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अगर सुमति नहीं होगी तो कैसे संपत्ति टिक पाएगी। सुमति मांगने मतलब सुमति का अर्थ है आपको मांगना क्या है, आपको चाहिए क्या है, पहले ये तो तय कर लीजिए। माताओं बंधुओं, आप भी लड़का बच्चा मांग रहे हैं बेटा हो जाए बेटा हो जाए, और माताएं भी बेटा हो जाए बेटा हो जाए। जानते हैं महारानी शत्रुपा ने क्या मांगा? महारानी शत्रुपा ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, बेटा तो मेरी गोद में आ ही गया, बिना मांगे वरदान मिल गया। नहीं नहीं माता, आप भी कुछ मांग लो, आपने तपस्या किया है। तो कहा, प्रभु एक बात बताइए, ये जो आपके बगल में ये जो देवी जी खड़ी हैं, इनका परिचय क्या है, ये कौन है? भगवान कहते हैं, माता ये आदिशक्ति छब निधि जग मूला, बाम भाग सोभति अनुकूला, ब्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। ये हमारी आदिशक्ति है, ये हमारी अर्धांगनी है, ये हमारी जानकी जी है। तो माता शत्रुपा ने कहा, प्रभु बेटा तो मिल ही गया है हमको, यदि आपको सचमुच हमें कोई वरदान देना है तो इन्हीं देवी जी जैसी एक बहू हमको दे दीजिए, तो परिवार हमारा पूर्ण हो जाएगा। देखिए बस यही गलती करते हैं माताओं बंधुओं, बेटा मांगते हैं भैया भी और बेटा मांगती हैं माताएं भी, तो जब किसी ने मांगा ही नहीं, किसी ने बुलाया ही नहीं, और बिन बुलाई जब बहू घर में आ जाती है, जिसको किसी ने मांगा ही नहीं, जिसकी किसी को चाह ही नहीं है, तो आप बताइए, तो फिर तो महाभारत होनी है कि नहीं होनी है, फिर युद्ध होना है कि नहीं होना है। इसलिए सदैव याद रखिएगा माताओं बंधुओं, यदि आपको अच्छी बहू चाहिए ना, तो माता शत्रुपा की तरह आप भी भगवान से तपस्या करिए, प्रार्थना करिए, तब माता कौशल्या के रूप में आपको माता जानकी जैसी बहू मिलेंगी। आपको एक घटना बताऊं माताओं बंधुओं, जब भगवान श्री राम जब विवाह करके आए, तो
तो चक्रवर्ती सम्राट जनक जी माता कौशल्या के कमरे में जाके कहते हैं, देवी कौशल्या बहु लरिकनी पर घर आई। बहु आई है और बहु मत समझना, वो लड़की है, लड़की। अरे भाई एक आते से ही एक दो दिन में कोई क्या समझदार हो जाता है, आप बताइए। कोई बहु आएगी, कल तक लड़की थी, मांग में सिंदूर पड़ गया तो एकदम से जिम्मेदार बन जाएगी, समझदार बन जाएगी, सब काम संभाल लेगी। यही उपेक्षाओं के कारण ही तो झगड़ा होता है घर में, वो भी बच्ची है, उसको बच्चे की तरह ट्रीट करना है, बहू समझ कर यही कह रहे हैं। कह रहे हैं बहु लरिकनी है लड़की लेकिन अभी, और पर घर आई राखे उनयन पलक की नाई। कौशल्या जी उनको ऐसे ख्याल रखना जैसे पल के नयनों का रखती है। तो उन्होंने कह रहे कैसी बात कर रहे हैं प्रभु, स्वामी मैं बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी जानकी को। चक्रवर्ती सम्राट का नहीं नहीं, तुमने बात पे ध्यान नहीं दिया कौशल्या, वो लड़की तो है लेकिन आगे जोड़ा है मैंने, वो लरिकनी लेकिन पर घर आई। पर आई घर से आई है, लड़की अपने घर की होती है, पर आए घर से जो आता है वो लड़की नहीं होता, लड़का नहीं होता। क्या मतलब? कहा देखो ऐसा है, अपनी लड़की तो अपनी लड़की होती है, कुछ भी मोटा महीन पहन लेगी, कुछ भी डांट फटकार सुन लेगी, कुछ भी खा लेगी, कभी भी उठा दो, कुछ भी काम करा दो, तो वो अपनी लड़की नहीं है, वो पराए घर से आई है। और पराए घर से आता है वो कौन होता है? वो मेहमान होता है। दूसरे घर से जब दूसरे घर में कोई हम लोग किसी के यहाँ जाते तो मेहमान ही तो होते हैं। तो कहा मेहमान है वो, लड़की नहीं है अपनी। तो कौशल्या जी उसका वैसे ही ख्याल रखना जैसे हम लोग मेहमानों का ख्याल रखते हैं, कोई कमी तो नहीं, कोई संकोच तो नहीं, रहने में खाने में किसी का कोई डर तो नहीं। हम लोग कहते हैं ना मेहमान जब आते हैं फील लाइक होम, इसको अपना घर समझिए, बिल्कुल संकोच मत करिए, ऐसी बातें कहते हैं कि वो कंफर्टेबल हो जाए वो रहने के लिए, या आपका ही अपना है। तो कहा मेहमान की तरह ख्याल रखना उसका। तो माता कौशल्या ने कहा ठीक है प्रभु आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल मेहमान की तरह जानकी जी को और सारी बहुओं को रखूंगी। माताओं बंधुओं समय बीता, चक्रवर्ती सम्राट नहीं रहे, प्रभु श्री राम वापस आए वनवास से और राज सिंहासन पर बैठे। तो राज सिंहासन पर बैठने के बाद उस संध्या को माता जानकी के पास गए और कहते हैं जानकी जी अब पिताजी नहीं रहे हैं माताओं का ख्याल रखने के लिए, इसलिए जानकी जी आपको अब माताओं का ख्याल रखना है। तो माता जानकी ने कहा अरे स्वामी कैसी आप बात कर रहे हैं, मैं माताओं का वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे मैं अपनी माता सुनैना का ख्याल रखती हूँ, अपनी माता की तरह उनको मानूंगी। भगवान श्री राम ने कहा नहीं नहीं जानकी जी एक गलती कभी आप मत कर देना। क्यों? अरे कहा अपनी माता तो अपनी माता होती है जानकी, अपनी माता को कभी भी फटकार दिया, कभी भी कह दिया आप काम करिए, कभी भी कुछ कह दिया, कभी कुछ बनवा लिया, कभी बाहर भेज दिया, कभी बात नहीं सुनी अनसुनी कर दी, अपनी माता तो अपनी माता होती है। यदि सारी माताओं ने आप लोगों को मेहमान का दर्जा दिया है तो आप लोगों का उत्तरदायित्व तो है कि सारी माताओं को भगवान का दर्जा दीजिए जैसे भगवान को रखा जाता है, जैसे भगवान को पूजा जाता है, जैसे भगवान का सम्मान होता है, उनको भोग प्रसाद और हम लोग ख्याल रखते हैं उस प्रकार उनको रखना। कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, माता जानकी जैसी यदि आपको बहू चाहिए तो कौशल्या जी जैसा आपको भी तपस्या करना होगा, ऐसे ही काम नहीं चलेगा, ताली दोनों हाथ से बजती है।